दोस्तों, अगर आप किसी भी आईपीओ में अगर अप्लाई करते हो और उसके अलॉटमेंट डेट आने पे अगर आपको आपका अलॉटमेंट स्टेटस अगर देखना है तो आपको किस वेबसाइट पे जाके देखना होगा, कौन सी ऑथराइज्ड वेबसाइट है। चलो दोस्तों, इस वीडियो में बात करते हैं और एक एग्जांपल के साथ भी देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग विद यस्पी में। दोस्तों, सबसे पहले तो हमें अपना ब्राउजर ओपन कर लेना होगा, जो कोई भी अपना ब्राउजर है। ब्राउजर में आने के बाद आपको वेबसाइट है एक के फिनटेक नाम की एक वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे आ जाना है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दो टाइप्स बताने वाला हूँ जिससे आप देख सकते हो, चेक कर सकते हो। पहला टाइप तो ये है कि के फिनटेक वेबसाइट पे आइए। के फिनटेक वेबसाइट पे आने के बाद इसमें नीचे नीचे जैसे आप आते हो, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है अलॉटमेंट स्टेटस नाम से। अलॉटमेंट स्टेटस में जैसे ही आप जाते हो, यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन है, इसमें से कोई भी ऑप्शन में अगर आप जाते हो तो आपके सामने एक फॉर्म ओपन होता है आईपीओ अलॉटमेंट स्टेटस नाम से। यहाँ पे आपको आपका कोई भी जो भी आईपीओ है वो आपको सर्च करना है। फॉर एग्जाम्पल, अभी हैप्पीएस्ट माइंड का हम देखते हैं। ओके, कर दिया। यहाँ पे आप दूसरा कोई भी देख सकते हो, जैसे कि अभी रूट मोबाइल का नहीं आया है, अभी हम हैप्पीएस्ट माइंड का ही देखते हैं। यहाँ पे आपको बस नाम डाल देना है। नाम डालने के बाद आपको यहाँ पे क्वेरी बाय, एप्लीकेशन नंबर, क्लाइंट आईडी और पैन कार्ड, ये तीनों में से कर लेना है। अगर आपके ब्रोकर ने आपको एक कंफर्मेशन का अगर ईमेल भेजा होगा तो उसमें आपका एप्लीकेशन नंबर होगा, वो एप्लीकेशन नंबर आपको यहाँ पे डालना है। अगर आपके पास वो एप्लीकेशन नहीं है तो आप सीधे से यहाँ से आपका पैन नंबर डाल के, यहाँ पे कैप्शन डाल के आप सबमिट करके ये देख सकते हो कि आपको अलॉटमेंट स्टेटस क्या है। और अगर आपके पास यहाँ पे आपको पैन कार्ड नंबर वो डालना है जो आपने डीमैट अकाउंट ओपन करते वक्त सबमिट किया था। और दूसरा टाइप यहाँ पे ये है कि आप कैसे चेक कर सकते हो। तो BSE अपनी जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है उनकी वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा कि आईपीओ अलॉटमेंट स्टेटस, या फिर सीधा सीधा आप सर्च इंजिन में आपके डाल सकते हो कि BSE आईपीओ अलॉटमेंट स्टेटस। जो एक नंबर पे जो लिंक आएगी उस लिंक पे आप क्लिक कर दो, आपके सामने एक फॉर्म आ जाएगा स्टेटस ऑफ आईपीओ एप्लीकेशन। यहाँ पे आपको फिर से आपका इशू टाइप सिलेक्ट करना है। इशू का टाइप होने के बाद इशू का नेम सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पे उन्होंने ऑप्शन दिए है डायरेक्टली हैप्पीएस्ट माइंड, रूट मोबाइल, तो आपका जो है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। सपोज हैप्पीएस्ट माइंड हो या रूट मोबाइल, अभी तो दो है मार्केट में, हैप्पीएस्ट माइंड कर लिया। यहाँ पे आपको फिर से एप्लीकेशन नंबर डालना है, और ये जो स्टार वाले ये तो कंपलसरी आपको मालूम ही है। एप्लीकेशन नंबर, जैसे कि हमने अभी बात की कि आपके ईमेल पे आपको एक कंफर्मेशन मेल आया होगा जैसे ही आपने अप्लाई किया था कि आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुल हो गया है, और एप्लीकेशन नंबर आपका है तो वो एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे डाल दो, पैन कार्ड नंबर यहाँ पे डाल दो, सर्च कर दो, आपके सामने आ जाएगा कि आपका अलॉटमेंट स्टेटस क्या है। तो ये दोनों भी वेबसाइट अच्छे है, ऑथराइज्ड वेबसाइट है, BSE इंडिया की तो बात ही नहीं है। और इन दोनों भी वेबसाइट के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आशा करता हूँ कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि कोई भी आईपीओ का अलॉटमेंट वेबसाइट पे कैसे चेक करते हैं। चलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।